नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के मेड़ता रोड से है, जहां कस्बे में रविवार को श्वेतांबर जैन संप्रदाय की शादियों का आगमन हुआ, जिसको लेकर श्वेतांबर जैन समाज में खुशी का माहौल देखने को मिला। जैन समाज की शादियां नागौर से रवाना होकर मुंडवा रूण होते हुए मेड़ता रोड स्थित फलवर्दी पार्श्वनाथ मंदिर पहुंची। फलवर्दी पार्श्वनाथ मंदिर के मैनेजर रामबाबू ने बताया कि श्वेतांबर मूर्ति पूजक संप्रदाय की प्रमुख जैन खतरगज साध्वी मणिप्रभा की सुशिष्या विद्युत प्रभा मर्दुला आत्मनिधि महाराज साहब ने भगवान के दर्शन किए तथा पूजा अर्चना की तथा मंदिर में लगभग दो घंटे के विराम के बाद तीनों साध्वियां टोंक जिले में स्थित मालपुरा के लिए विहार कर गई। जैन साध्वियों ने बताया कि जैन धर्म अहिंसा का पाठ पढ़ाता है तथा किसी भी प्रकार पाप को रोकने से मनुष्य को रोकता है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी हमने 9 नवम्बर को नागौर में पाठशाला की स्थापना भी की, जिसमें जैन समाज के सैकड़ों विद्यार्थियों ने जैन धर्म की शिक्षा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम सभी जगह जैन धर्म की शिक्षाओं के विद्यालय खोलें। साथ ही ये भी कहा कि अगर मनुष्य जीव हत्या ऊपर रोक लगा दे तो सही मायने में वह मनुष्य बन जाता है। इस दौरान नागौर खतरगंज संघ अध्यक्ष गौतम चंद कोठारी, अखिल डांगा, विकास बोथरा, प्रदीप डांगा, श्वेतांबर जैन मंदिर मेड़ता रोड के मैनेजर राम बाबू और वर्तमान वाटिका पाठशाला के विद्यार्थी सहित जैन समुदाय के अनेक लोग मौजूद रहे। नागौर से प्रदीप डागा की विशेष रिपोर्ट।